धनबाद जिले के कतरास में 22 जनवरी के दोपहर करीब 1 बजे अपराधियों ने कोयला व्यवसायी मनोज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। गैंगस्टर प्रिंस खान ने सोशल मीडिया पर पत्र जारी कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। गंभीर रूप से घायल मनोज यादव को आनंद फानन में BCCL के निचितपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कतरास के छाताबाद कैलोडीह में दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक कोयला कारोबारी मनोज यादव छाताबाद में सड़क किनारे खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। मनोज को 6 गोलियां लगी। मौके पर पहुंचे कतरास थाना के सब इंस्पेक्टर दिलीप तिर्के ने बताया कि पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घटनास्थल से 1 खोखा भी बरामद किया गया है। घटना के बाद गैंगस्टर प्रिंस खान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठे जारी कर इस घटना की जिम्मेदारी ली। चिट्ठे में लिखा कि हम असली मेजर हैं, छोटे सरकार के शूटर मेजर। ये जो घटना मनोज यादव के साथ घटी है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि धनबाद कोयलांचल नए साल में गोलियों से दहलता रहा है। 8 जनवरी की रात जनता मजदूर संघ के नेता दिनेश सिंह के पुत्र सोनू सिंह को झरिया के तिसरा में गोली मारी गई थी। आरोप झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर और पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर लगा था। घायल सोनू का इलाज कोलकाता के अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद 19 जनवरी को झरिया के सिंह नगर में रघुकुल और सिंह मेंशन समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई थी। जमकर फायरिंग और बमबाजी में सिंह मेंशन समर्थक निरंजन तांती की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। उसी रात झरिया के लोअर चौथाई कुल्ली बाउरी मोहल्ले में 60 साल की महिला सकीना खातून को बाइक सवार अपराधियों ने 2 गोली मारी थी। फिलहाल गैंगस्टर प्रिंस खान की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है।